गौतम का सम्मान जगा और अपने को कुछ शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ज्ञान ले, कुछ ठान ले, शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ज्ञान ले, कुछ ठान ले। कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो। कौन पाठ। औरत की जिंदगी एक संघर्ष है। लड़की जब से पैदा होती है तो समाज और परिवार में अपना स्थान बनाने के लिए पग पग पर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की आम सड़कों पर हमने कुछ कलाकारों को हिंदुस्तान की औरत की असलियत पर आधारित एक नाटक करते देखा। आप लोगों को एक कहानी सुनाए, एक छोटी सी कहानी, यानी छोटी सी बिटिया की छोटी सी कहानी। अरे ओ मुन्नी, कहाँ मर गई? एक घंटा हो गया फैक्ट्री से लौटे हुए, चिलम भरने को दी थी, अब तक नहीं लौटी। मुन्नी, अरे ओ, मैं पूछता हूँ, ये तेरा घर है या स्कूल? बाबा मैं याद कर रही थी, मास्टर जी कहते हैं घर पे पढ़ाई करो, समझ में ना आए तो अपने बाबा से पूछो। बाबा से पूछो, बाबा से पूछो तो घर में बैठो, घर का काम धाम किया करो। क्या करेगी स्कूल जाके, तुझे कौन दफ्तर दबाना है? पर बाबा मास्टर जी कह रहे थे कल किताब जरूर लाना, नहीं तो नाम काट देंगे, और कह रहे थे स्कूल की वर्दी खुली हुई होनी चाहिए, इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, खुली वर्दी चाहिए। मैं पूछता हूँ इन हराम ज्यादे स्कूल वालों को, बच्चों को बहकाने के सिवाय कोई काम भी है? यहाँ 2 जून खाने को दाने नहीं, कल से ये स्कूल बंद। बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगी। बिटिया जिद नहीं किया करती, बच्ची नहीं रह गई है तू, ढोंग की ढोंग, ढूंढ दूंगा तेरे लिए कोई काम धाम। और हाँ, अब ये आवाराओं की तरह उछल कूद बंद कर दे, बड़ा बुरा जमाना आ गया है। बाबा शाम को खेलने के लिए रास्ता ला दो। इसीलिए कहता हूँ बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजो तो पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कापियों किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ये खेल कूद हो, एक भला हो तो भुक्ति भी जाए। रास्ता ला दो ना। अरे गले में लगा के मर क्यों नहीं जाती कमबख्त? तेरी माँ मर गई, तू भी मर जा, पीछा छूटेगा। एक बेटा है, पाल लूंगा किसी तरह। कहां से लाऊं तुम सब के लिए? तनख्वाह के नाम पे पिछले 5 बरस से देला नहीं बढ़ा। बढ़ाने की बात करो तो वो फैक्ट्री का मालिक कहता बाहर निकल जाओ, तुम्हारे लिए काम नहीं है, ताला बंदी की धमकी देता है, और तुम्हें किताबें चाहिए, कापियां चाहिए, धुली वर्दी चाहिए, खेल खिलौने चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। चल उठ के बासन मांज, बड़ी आई है स्कूल जाऊंगी। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, सुबह सुबह सब बच्चे सुंदर कपड़े पहनकर बस में बैठ कर स्कूल जाते, मैं भी जाऊंगी। उन बच्चों की जितनी फीस है ना, तेरे बूढ़े बाप की तनख्वाह नहीं है उतनी। स्कूल जाऊंगी जाऊंगी। जा लाला के यहाँ से आटा लेकर आ। बाबा वो आटा नहीं देता। अरे क्यों नहीं देता, उधार देता, भीख तो नहीं देता? पर बाबा उसका बेटा कहता है। क्या कहता है उसका बेटा? कहता है उधार में आटा चाहिए तो दुकान बंद होने के बाद अकेले में आना। सुअर का बच्चा, अगर उधार ना चुकाना होता। और एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। कल तक वो लाल झंडा यूनियन को गालियां दिया करते थे, लेकिन आज झंडा हाथ में लेकर कहते हैं संघर्ष हमारा नारा है, हड़ताल हमारा नारा है। मेरे साथ अब इतना बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन बोझ में अब भी हूँ, इसीलिए मेरा लगन तय हो गया। ओम गणपति गंगा ओम महे नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम तपस्वी राम भगवो देव सर्वदा। आज फेरे हैं, लड़का भैया के मील में 175 रुपए महीना पाता है। ओम गणपति गंगा ओम महे विष्णु देवाय तत्सवितुर्वरेण्यं भगवो देव धीमहि धियो नाम प्रचोदयात। ओम नमः ओम दुवं दिवं नमः त्यं।
पति को साक्षात भगवान जानोगी, पहले उन्हें खिलाओगी फिर खुद खाओगी, पति ससुर अन्याय करे उसे न्याय मानोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, घर का पूरा काम काज तुम ही संभालोगी, फौरन ही कोई काम तलाश करोगी, सवेरे ही सब्जी मंडी से साग तरकारी लाओगी, फिर कुएं से पानी बाबा का हुक्का भरोगी, चौका चक्की झाड़ू पोंछा सब तुम ही संभालोगी तथा। अरे इस घर में काम करने आई है, आराम करने नहीं। ससुर को पूरा आराम देगी, घर का पूरा काम संभालेगी तथास्तु। और इस तरह गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते 8 बरस बीत गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर गंदे और चीपी करते हुए 25 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया लगती हूँ, मुँह अधेरे जागती हूँ, घर का सारा काम काज करती हूँ, चक्की पर जाती हूँ गेहूँ साफ करने, दोपहर को चौका बर्तन कर फिर काम पर जाती हूँ, शाम ढले लौटती हूँ फिर सारा काम। ससुर जी के मरने के बाद से ही मेरा आदमी शराबी हो गया है, हरामजादी, रात दिन मार पीट कर गाली गलौज करता है, थाने में भी नाम दर्ज है उसका। अरे ओ, ये मुन्ना क्यों रोए जा रहा है? जा क्या होगा तुम्हारे दहाड़ने से? अरे तू चुप करा उसे, नहीं होता तो उठा के बाहर फेंक सुअर के बच्चे को। क्या होगा इन सुअर के बच्चों का, दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं। अरे बड़े होकर आखिर इन्हें भी तो अपने बाप पर ही जाना है। बड़े होकर काम की तलाश में न जाने कहां कहां जाएंगे, कहां कहां भटकेंगे। मैं हमेशा की अकेली, हमेशा की खामोश, किसके सहारे जीऊंगी? चक्की से जवाब मिल गया तो किसके दरवाजे पर जाऊंगी? भगवान तू ही कुछ कर। भगवान? अरे उसे क्या पड़ी है तेरी तरफ देखने की, सेठ जी का बंगला उसे पसंद है, सेठानी बड़ी गोरी चिट्टी है, भोग भी वो अंग्रेजी बोतल का लगाता होगा साला। ये उल्टी सीधी ना बको, इसी कारण तो घर का ये हाल है। अरे मंदिर जाते भले मानस की तरह रहते तो घर की सकल ही कुछ और होती आज। चबान चलाती है हरामजादी, फैक्ट्री से थका माना घर आता हूँ, 2 पल का चैन नहीं है। ऐसे ही भले आदमी का शौक था तो क्यों मरने आई थी मजदूर के घर में? दान दहेज के नाम पर बाप को सांप सूंघ गया और बेटी है कि दिमाग ही ठिकाने नहीं। चलो उठकर घर का काम काज कर, आई है बड़ी। बाप के भाई के और खाविंद के ताने तिशनों को सुनना तमाम उम्र, बच्चे जन्ना सदा भूखे रहना सदा, करना मेहनत हमेशा कमर तोड़ कर, और बहुत से जुल्म सितम औरत के हिस्से आते हैं, और बहुत से जुल्म सितम औरत के हिस्से आते हैं। आमतौर से नाटक जीवन की समस्याओं और संघर्षों के कुछ ही पहलुओं को दिखा पाता है। आज दहेज प्रथा और औरत का शोषण एक असलियत बन गया है। आइए इसके बारे में हम लोग बात करें सुमन जी से। सुमन जी, आप बताएंगे कि ये दहेज प्रथा की समस्या क्या है? रेणुका जी, दहेज प्रथा आज कोई नई चीज़ नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये बहुत पुरानी रीति रिवाज है जिसके अनुसार लड़कियों को माता पिता की जायदाद में से और उनके पैसे में से कुछ हिस्सा दहेज के रूप में दिया जाता था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समाज में शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि दहेज की समस्या एक बहुत गंभीर रूप धारण करती जा रही है। माता पिता बचपन से ही लड़की के लिए एक मजबूरी समझ के उसके लिए धन चीज़ें जोड़ के रखते हैं, लेकिन उधर लड़के वालों का क्या है कि वो समझते हैं कि दहेज लेना उनके लिए एक ज़रूरी है, और इस वजह से दहेज आज एक लड़की के लिए उपकार ना होके एक अपकार बन गया। इस समस्या को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कानून बनाए हैं? एक तो ये कि जब भी लड़की की शादी हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, हिंदू तरीके से हो, मुस्लिम तरीके से हो या सिख अपने तरीके से करें, सभी शादियां रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें लड़की को उपहार के रूप में दिया जाए चाहे दहेज के रूप में दिया जाए वो उनकी लिस्ट बननी चाहिए, और लिस्ट को दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि
यदि कभी घर में झगड़ा हो जाए और चीजें वापस लेने में कठिनाई ना आए। सुमन जी, आप बताएंगे कि ग्रामीण महिलाओं को इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? एक तो ये कि अभी एक नया सेक्शन आया है जिसको कहते हैं सेक्शन 498A। ये संबंधित है इस तरह के ऊपर जो जुल्म होते हैं, उन जुल्मों को रोकने के लिए ये नया कानून है जिसके अनुसार किसी भी महिला के ऊपर चाहे मारपीट हो, चाहे चोटों का निशान हो, चाहे उसकी दिमागी क्रूअल्टी उसके ऊपर किया जाए, जुल्म किए जाए, तो वो उस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकती है। उस समय उसको फौरन, जैसे ही घर में मारपीट होती है, बहुत तंग करते हैं, तो उसको अपने लोकल थाना में जाना चाहिए और इस सेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। पर आप सोचती हैं कि एक औरत अकेली थाने में जाके ये करवा सकती है? माँ बाप का उसमें क्या? ऐसा है कि अगर लड़की स्वयं नहीं जा सकती तो उसके माता पिता, भाई और घर घर के बड़े लोग, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज वो पुरानी चीज नहीं, क्योंकि पुलिस के मामले में हम लोग सोचा करते थे, आज पुलिस और कानून, पुलिस और जुडिशरी, ये हमारे लिए एक जरूरी चीजें हैं, समय पड़ने पर हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मधुबनी, बिहार का एक छोटा सा इलाका, हर घर की दीवार सुंदर चित्रों से रंगी हुई है। यहाँ औरतों को चूल्हे चौके के साथ साथ परिवार के पालन पोषण का बोझ भी उठाना पड़ता है। फिलहाल आपके परिवार का किस तरह से काम चलता है? यही 200 रुपया इनकम, 200 रुपया लड़की को 6 महीना से करीब मिल रही है, 400 रुपया में किसी तरह से अपना भरण पोषण हो जाता है। इसके साथ साथ आप कोई और काम नहीं कर? और अभी हम कोई काम नहीं। सेवा मिथिला में समाज से सताई और जरूरतमंद औरतों को आर्थिक रूप से सहारा दिया जाता है। जब सेवा मिथिला में काम नहीं करती थी उसके पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं, अपन घरे में रहे छलहुं, कोनो तरह अपन दुख दुख के बितेलहुं, खाना मिलल तो खेलहुं, नहीं तो सहियो गेलहुं, तहिना तहिना कऽ कऽ अपन बितबै छलहुं। ककरो से ऋण कर्जा मांगलहुं तऽ ओहिमे किनको विचार भेलनि तऽ देलनि, नहि तऽ नहि देलनि। कर्जा माँग के चलाती थी, कोई दे दे तो ठीक, ना दे दे तो। हाँ, आप कब से यहाँ सेवा मिथिला में जाने लगी? इस 2 मास 2 महीने से। क्यों जाती हैं? गरीबी द्वारे, बड़ गरीबी, बर्दाश्त नहीं, बर्तन माँज कर गुजर करे, बाल बच्चा के पोसे, उसकी देखे, उस तो चल जाए सांझ में आए, 10 बजे रात आए, वो क्यों बुझे? बुझे ना तो हम बच्चा को पोसो, जो बच्चा खिलाएगा तो हम की खिलाए बच्चा को। जिनका चित्रकला में हाथ साफ नहीं है उन्हें पहले फूल और पत्तियों से रंग बनाना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे वो चित्र बनाना भी सीख लेती हैं। सेवा मिथिला में पैसे की सिवाय भी दिमाग खुलने की बहुत सी बातें करते हैं। जैसे कैसी बातें करते हैं? आप बाहर से जना अपने सवेलिए तेना एना कह बहुत लोग सब आबे छथिन, तो मीटिंग भेल, मीटिंग में समझेलन बुझेलन, तो हमरा सब के बहुत आशा बढ़े। किसके बारे में समझाते बुझाते हैं? गरीबी दूर करे के लिए। गरीबी दूर करे के लिए मेहनत करू सब गोटा, अपन स्त्रीगण सब, मर्द के भरोसे नहीं रहो, अपन अपन जनानी सब अपना प्यार पर ठार हो, अपना कमबे के बल करू, अपन ओहिसे गुजर करू। जैसे औरत को इतना कष्ट है, ये कभी आप इसमें भी दिखाती है? किस तरह से दिखाती है? हाँ,
इतने तो बहुत काज कर देखलिए एक कष्ट से काज कर रहा छे हां इससे तो बहुत मेहनत से औरत घर में काम कर रही है और जैसे औरत के ऊपर इतना दबाव मारपीट इस तरह की जो समाज जैसे औरत को रखता है इसके ऊपर भी कोई बनाते हैं धन रोपनी दहेज उठाओ अखन से सरसों काटे वाली दहेज उठाओ कि ये शुरू से इस तरह की बनाते थे या अब सीखे हैं बनाना नहीं हम इतने ही सीख लिए अच्छा यशोदा देवी से तभी सीखे वो दहेज हटाओ क्यों बनाते हैं क्या इस इलाके में दहेज बहुत लेते हैं हाँ हमारा से तो सेवा पहले दहेज नहीं छे मिथिला में लेकिन आप बहुत दहेज लिए लगे तो गरीब परिवार के बेटी के ना के ब्याह हेती गरीब घर के आपको क्या लगता है दहेज गलत बात है हाँ तो दहेज तो बहुत गलत बात है गलत बात है इसको कैसे रोका जा सकता है सब महिला समाज मिलके जो अथी करते थे रोका जाते सब महिलाएं एक होके रोक सकती हैं तुभे कने आकबा बीसुभे कने आपने सालों से ये घर के आंगन या दीवार पर चावल और रंगों से चित्र बनाती आई हैं ये जे छे से बच्चा के सुई पर पड़े छे जे हो भ सके या जे बच्चा के कोनो बीमारी भ जाय छे ते दुआरे धनुष टंकी भ जाय छे टिटनस पकड़ ले छे तेक ले ली सुई पर से पहिने लोग अपने दूध पियाबे छले या तकर बाद लोग बाहर के दूध पियाबे लगले या तो तें ल क से अपन दूध पिया क आ बाहर के दूध के हम सब काट दे छी या नेबो छिए आ हैया नै में नून छे आइ में चीनी छे नेबो गै देते या चीनी नून के मिला क अगर नेबो गाड़ को तो वह भ जाए छे तो कहे जाए छे अपना सब ग्लूकोज से ग्लूकोज के ताकत ही में छे तो बच्चा मरते ही लेकिन अब अपने चित्र द्वारा आम जानकारी के लिए स्वास्थ्य व सामाजिक बुराइयों को भी दिखाती हैं इतने हम सब जाने नहीं छे वह कहला पर हमारे पेंट करें आप जन तो छे अब जैसे आपको ये सब बातों की जानकारी हुई है तो क्या आप और औरतों को भी बता सकती हैं? बता सकती हैं। 8 है और 10 है इसमें कौन है बड़ी संख्या 10 है कम बताने वाले को छोटी संख्या कहते हैं संख्या तो तुम लोग जान गए कुछ समय निकाल कर अब ये पढ़ने लिखने में भी रुचि लेती हैं फुलवाड़ी लगाए कमल ने कुदाल से पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े